गवर्नमेंट ने भी किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। इस मामले में हम अपने हिंदू भाइयों का आप सबके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जगाना भी चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि क्यों उन लोगों को अभी भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको अभी भी जेल के अंदर रखा गया है, आज तक क्यों उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस सभा का पूरा विस्तार में मेरे भाई सभा के महामंत्री किरण शर्मा जी आपको बताएंगे। धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। जो हमारे जो मैं हर बार कहता हूं कि हमारे जो लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। और मैं अतुल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि अभी हमने एक हफ्ता पहले ही वहां विजिट किया था रसाना में और पूरा ब्यौरा इनको दिया और इन्होंने एक मीटिंग कर इस बात को लेकर बड़ी अपनी गंभीरता जताई और हमारे जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने अपना पूरा समर्थन इस मुद्दे पर दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं जम्मू एक राष्ट्रवादी लोगों का जो है गढ़ है और 2018 में इन राष्ट्रवादी लोगों पर जो एक आघात किया गया और जो देवस्थान में भी उसको इन्वॉल्व किया गया तो हमारे लिए सबसे बड़ी वो एक आप कह सकते हैं कि क्षति थी। उस वक्त के बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत बड़ी मूवमेंट करी, अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इस पर जो है कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकी। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा हम ये इस बात पर जोर देना चाहते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी से यह गुहार करना चाहते हैं कि आप रसाना मुद्दे पर सीबीआई इंक्वायरी करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस वक्त की जिहादी माइंडसेट महबूबा मुफ्ती जो उस वक्त की कोलिशन गवर्नमेंट की सीएम थी तो उसने किस तरीके से इस केस को एक तरफा कर दिया, उसकी जांच एसआईटी मेंबर्स को दी जो उसी के बनाए हुए लोग थे और वो खुद डिफॉल्टर थे जिन पर खुद रेप चार्जेस केस लगे हुए थे। और आपने ये भी देखा कि जब ये चंडीगढ़ में मामला पहुंचा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तो वहां पर सबसे पहले जो ऑर्डर पास होता है कि वो कहते हैं कि जो एसआईटी टीम है इस पर जो है वो एफआईआर लगाई जाए। लेकिन विडंबना है कि आज तक उन एसआईटी मेंबर्स पर राजनीतिक कारणों की वजह से एफआईआर नहीं लग पाई। तो क्योंकि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा रूल हो रहा है एलजी गवर्नमेंट द्वारा, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार करता हूं, हमारी पूरी ब्राह्मण सभा जम्मू के लोग जो एग्रीव्ड लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं कि उसमें जो नाफूर मौसम में एक नाफूर बना हुआ है उसकी जांच हो उस रसाना कांड की, ताकि जो लोग उस साजिश को षड्यंत्र जिन्होंने रचा था वो लोग बाहर घूम रहे हैं और जो इनोसेंट लोग थे जो सेवादार लोग थे जो कंजक पूछने वाले लोग थे उनको आपने जेलों में रखा हुआ है। और अगर आप देखें तो कोविड के बाद से कोई ज्यादा सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी ठंडे बस्ते पे चल गई हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि ये जो रसाना कांड है इस पर एक सीबीआई इंक्वायरी हो। और आपको पता है कि आप ही मीडिया बंधुओं की वजह से विशाल जगोत्रा जो एटीएम से मुजफ्फरनगर में पैसे निकालता हुआ पाया गया था सिर्फ उसी को छोड़ा गया, अदरवाइज उसकी चार्जशीट में उसके खिलाफ ही बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि वो जो चार्जशीट में बातें लिखी गई वो मनगढ़ंत कहानी थी, एक षड्यंत्र के कारण महबूबा मुफ्ती का वो रचा हुआ एक जाल था ताकि वो उस एरिया की डेमोग्राफी चेंज कर सके। सांझी राम जी की बात करूं तो वो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने वहां पर कभी भी एंटी नेशनल एंटी सोशल एंटी हिंदू एक्टिविटीज को होने नहीं दिया, उन्होंने वहां पर गद्दी लोगों को बसाने की कोशिश करी क्योंकि वो भी ट्राइबल हैं, क्योंकि गुजर बकरवाल आपको पता है कि ये कहीं भी बैठते तो जगह मन लेते हैं और सरकार में इनकी काफी बैठ है। और दूसरी ओर दीपक खजूरिया जो एक गोरक्षक थे उन्होंने वहां पर बड़े बड़े मिनिस्टरों के सिफारिशों के कहने पर भी वोटर बिना चेकिंग के नहीं वहां से भेजा करते थे तो उनको भी साजिश के तहत जो है फंसा दिया गया। तो ये बातें जो हैं हम इस पे कहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि आसिफा के साथ भी जो है वो न्याय हो सके, क्योंकि वो छोटी सी बेटी आपको पता है हमारे सनातन में हम हर एक कन्या को कंजक मानते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि उसके साथ भी न्याय हो। और ये जो डिफेमेशन कैंपेन हिंदुओं के खिलाफ गढ़ा गया था
हम चाहते हैं उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, नहीं तो जम्मू के लोग आने वाले इलेक्शन में फिर बायकॉट कर सकते हैं अगर इसमें हमें न्याय नहीं मिला तो। क्योंकि अगर आप हमारे देश थानों को टारगेट करेंगे, हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे और फिर हम कहां जाएंगे। तो इसीलिए हाथ जोड़ के ये विनती है हमारे जो बड़े बड़े लीडरान हैं, हमारे जो दिल्ली सरकार में जो लोग बैठे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि हम जम्मू के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। थैंक यू।